कर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारकर एएसआई की हत्या कर दी गई। दिल्ली के नंद नगरी में ताबड़तोड़ फायरिंग में एएसआई की मौत। आरोपी ने खुद को भी गोली से उड़ाया। राजधानी दिल्ली के नंद नगरी में एक शख्स ने दो लोगों को गोली मारकर फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। यह घटना मीत नगर फ्लाईओवर के पास हुई। मृतक दिनेश शर्मा दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। घटना में घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली के नंद नगरी में इस शख्स ने दो लोगों को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। यह घटना मीत नगर फ्लाईओवर के पास हुई है। मृतक दिनेश शर्मा दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। यह घटना आज दोपहर करीब 11:45 पर हुई, जब मीत नगर फ्लाईओवर के पास मुकेश नाम के शख्स ने अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा की मौत हो गई, जबकि 30 साल के अमित कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मुकेश कुमार ने अचानक से 7.65 mm की पिस्टल से अचानक गोली चलाने शुरू कर दी। पहली गोली एक बाइक पर चलाई, लेकिन बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी कि वह बाल बाल बच गया। तभी पीछे से दिनेश शर्मा आ रहे थे, जिस पर मुकेश ने गोलियां चला दी। दिनेश शर्मा को जब अस्पताल ले जाया गया, तब बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद मुकेश ने स्कूटी पर जा रहे अमित पर गोली चलाई। गोली अमित के कमर में लगी। फिलहाल अमित का इलाज अस्पताल में चल रहा है।